हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिमरन। तो आज की वीडियो होने वाली है प्रेगनेंसी एपिसोड 3। जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी पार्ट 1 और प्रेगनेंसी पार्ट 2 भी बनाए हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपको बहुत पसंद आया, बट सेकंड पार्ट में मुझे कोई इतने खास व्यूज़ नहीं मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रुक जाऊँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आए कि प्लीज़ प्रेगनेंसी अपडेट बनाइए एंड प्रेगनेंसी सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करिए, तो मैं एपिसोड 3 आज बना रही हूँ। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मेरा स्किन केयर रूटीन, नाइट टाइम रूटीन एंड दैट हाउ आई एम मैनेजिंग दीज डेज एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, व्हाट आर द इश्यूज। इन सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि टुडे इज 25th of August एंड आज मेरा सेकेंड ट्रेमेस्टर स्टार्ट हो गेया है। सो आई एम एक्साइटेड एज वेल एज स्केयर्ड। पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करना, आई हैव नो आइडिया। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट द थिंग्स कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी एंड मैं रिसर्च भी कर रही हूँ, डॉक्टर से ही मैंने पूछा है कैसे करना है, क्या करना है, बट आई एम लिटिल स्केयर्ड, बट आई एम रेडी फॉर एवरी थिंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड आई थिंक कि सेकेंड ट्रेमेस्टर में वॉमिटिंग थोड़ी सी कम हो जाए, नौशिया कम हो जाए, बट आई बीन एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग सिंस 3 days एंड मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है कि आई एम नॉट एबल टू सिट राइट नाउ एंड फिल्म द वीडियो। मैं जैसे तैसे करके वीडियो बना रही हूँ गाइज, बट दीज 3 days वर रियली टफ फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, बहुत ज़्यादा वीकनेस आई, इवन कल तो आई ऑलमोस्ट फेंटेड। तो वो इसलिए क्योंकि मेरी दवाई खत्म हो गई थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट मेडिसिन, तो इसलिए फिर मैं कल जाके लेके आई एंड आज मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम फीलिंग द वीकनेस। सो आई होप कि सेकेंड ट्रेमेस्टर के 10-15 दिन बाद ही वॉमिटिंग बंद हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी इरिटेटिंग, काम नहीं हो पाता है एंड बहुत थकान रहती है उसकी वजह से। तो 2-3 दिन से ये सब प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ रही है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ सो गुड एंड थोड़ा सा टमी हल्का फुल्का सा बाहर आया है, बाकी तो कुछ अभी ऐसा हुआ नहीं है। सो इस वीडियो का हमारा सेकेंड पार्ट इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, कोई हाई फाई स्किन केयर रूल मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। मेरा जो सुबह का स्किन केयर है दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन द प्रेगनेंसी। मैं नॉर्मली सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, मुंह धोती हूँ, दैट्स इट। एंड फेस वॉश करने के लिए मैं नॉर्मली हिमालय यूज़ कर रही हूँ फिलहाल। हिमालय फेस वॉश जो होता है नॉर्मल आपको मार्केट में या फिर मेडिकल स्टोर पे कहीं पे भी मिल जाता है, तो मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ और उसके अलावा तो मैंने और कुछ यूज़ नहीं किया। और अब थोड़े दिन मैंने फेस पे कुछ लगाना भी बंद कर दिया बिकॉज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। मैं कुछ भी लगाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल एंड पसीना आता है, तो उसकी वजह से भी मैंने थोड़ा स्किप किया हुआ है। मॉइस्चराइजेशन में मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ अपने फेस पे, बस अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा के चली जाती हूँ, दैट्स इट। सिर्फ यही सिंपल सा स्किन केयर है जो मैं फॉलो कर रही हूँ डे में। अगर मैं नाइट टाइम स्किन केयर की बात करूँ तो उसमें मैंने कुछ ऐड ऑन्स किए हैं एंड उसमें सबसे पहला ऐड ऑन है वो है स्ट्रेच मार्क्स के लिए। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से पूछा, डॉक्टर से पूछा, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, तो फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि बेसिकली आपको अपने पेट को मॉइस्चराइज करना है, दैट्स इट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे स्ट्रेच मार्क्स क्रीम खरीद कर लाएँ या फिर महंगे ऑयल्स खरीदें। एंड मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ लगी वो थी बायो ऑयल, वो हर जगह रिकमेंडेड था तो मैंने वही खरीद लिया था। ऑलरेडी पहले से मैं यूज़ करी थी अपने स्किन पे बायो ऑयल ऑन माय फेस, सर्दियों में मैं वही अप्लाई करती थी, लेकिन अब बायो ऑयल मैंने अपने टमी एरिया पर भी लगाना स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एंड ये जो बायो ऑयल है दैट वॉज फॉर 450 rupees एंड ये काफ़ी चल गया मेरा, लगभग 7-8 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा है। जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आपको स्टार्टिंग से ही ऑयल या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो इसलिए मैं भी फर्स्ट मंथ से ही बायो ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एंड बस थोड़ा सा लेके आपको अपने टमी एरिया पे मसाज करना है, दैट्स इट। एंड ये दिन के टाइम पे करना चाहिए बट जनरली मैं सोने से पहले करती हूँ, तो मेरा डेली का रूटीन वही है। नाइट टाइम में आई जस्ट यूज़ बायो ऑयल ऑन माई टमी। उसके अलावा मुझे हाथों पे एंड पैरों पे थोड़ी सी ड्राइनेस आती है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निविया नरिशिंग लोशन बॉडी मिल्क एंड इसका जो मॉइस्चराइजेशन है वो काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ फॉर वेरी ड्राई स्किन, तो पैरों की स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है इस टाइम पे एंड हाथों की भी यहाँ से पाम एरिया से, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ 48 hour डीप मॉइस्चर एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज़ वॉट आई एम जनरली फॉलोइंग राइट नाउ, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ अपने हाथों और पैरों पर एंड इट वर्क्स टिल द मॉर्निंग, सो इसलिए मेरे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। और गाइज यहाँ पे एक और टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप बायो ऑयल नहीं खरीदना चाहते दैट्स ओके, बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम पे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जस्ट मॉइस्चराइजेशन ही ज़रूरी है। तो आप जनरली कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, इवन वैसलीन भी बहुत इफेक्टिव होती है। उसके अलावा अगर आप कोई केमिकल वाले ऐसे क्रीम्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मलाई या फिर घी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होते हैं। आप मलाई लगा सकते हैं अपने टमी एरिया पर तो उससे भी आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रहेगी। सो ये था स्किन केयर का क्विक अपडेट, दैट्स व्हाट आई यूज़। इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ
एंड मैंने सुना है कि इस टाइम पे पिंपल्स भी होते हैं, तो मुझे तो अभी हो नहीं रहे हैं, बट लेट्स सी इफ इट हैपेंस, आई विल गिव अ अपडेट ऑन दैट एज वेल. उसके अलावा मैं एक डायरी भी लिख रही हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू. सो दिस इज़ अ डायरी दैट आई एम राइटिंग दीज डेज. सो आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द डायरी, बट ये मैं आपको भी नहीं पढ़ा सकती हूँ बिकॉज इट्स माई पर्सनल जर्नल. एंड ये मैंने बेबी के लिए लिखी है, बेसिकली क्या क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ें पास होंगी एंड कैसे टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ मैं इसमें लिख रही हूँ. एंड इसके ऊपर मैंने एक कवर चढ़ा दिया है ऐसे कलरफुल सा, सो ये देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे एंड प्रोटेक्टेड रहे. तो मैंने अभी बस ये स्टार्ट किया है. एक्चुअली मैंने एक बुक पढ़ी थी, उससे इंस्पायर होकर मैं डायरी लिख रही हूँ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डायरी लिखी जाए, जिससे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस उसमें लिख पाऊँ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग इन दिस डायरी राइट नाउ. एंड आई थिंक कि बाई द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मैं इसको पूरा भर दूँगी जितना मुझे लग रहा है. बट या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट बिकॉज मैंने ऐसा कभी लाइफ में नहीं किया है कुछ ऐसे डायरी लिखना. फर्स्ट टाइम लिख रही हूँ एंड आई एम फीलिंग रियली गुड. जो कुछ मेरे मन में आता है मैं लिख पाती हूँ. मुझे ये केयर करने की जरूरत नहीं है मैं कुछ बोलूँगी किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, नहीं. मुझे जो कुछ समझ आ रहा है या फिर जो कुछ फील हो रहा है मैं इसमें लिख सकती हूँ. तो बस यही कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ. उसके अलावा कोई हाई फाई चीज़ मैं कर नहीं रही हूँ. बस बेसिकली मैं हेल्दी खा रही हूँ इस टाइम पे. आई ट्राई टू हैव ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ. आजकल मैं फ्रूट्स बहुत खा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट लव देम. मुझे खाना इतना कोई पसंद नहीं है आजकल. रोटी सब्जी इज़ लाइक ओके फॉर मी, बट व्हाट आई एम जनरली लाइकिंग दीज डेज इज़ चटपटा तीखा. बट मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ मैं हेल्दी खाऊँ. तो मैं मॉर्निंग में ओट्स खाती हूँ, बनाना खाती हूँ. उसके अलावा समटाइम्स पराठा, क्योंकि पराठे से मुझे वॉमिटिंग नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा. तो कभी कभी पराठा भी खा रही हूँ एक दो दिन से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यू नो कुछ दिन से वीकनेस आ रही है. एंड उसके अलावा ओट्स खाती हूँ जनरली एंड आमंड्स, और दिन में सिंपल रोटी सब्जी घर का खाना. आई एम ट्राइंग टू डू दैट. एंड कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं बाहर भी खा लेती हूँ. एंड माई न्यू फेवरेट इज़ गोलगप्पे. तो आई जस्ट लविंग देम दीज डेज. आई नो इट्स नॉट सेफ टू ईट राइट नाउ आउटसाइड, बट आई कॉन्ट कंट्रोल दैट क्रेविंग ऑफ गोलगप्पा, सो आई एम हैविंग दैट एज वेल. तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आई एम फॉलोइंग. एंड आई फील दैट जब मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, तो मैंने सब लोगों से बताया था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है. देन एक कमेंट आया था मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट पता नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया. एंड आई डोंट नो व्हाई हाउ इट हैपेंड कि आई एम एबल टू कंट्रोल माई एंगर. मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, बहुत रेयरली कभी गुस्सा आएगा. दैट इज़ लाइक रियली गुड. मुझे नहीं लगा था ऐसे कुछ चेंजेस भी आते हैं इंसान की लाइफ में, हॉर्मोन्स की वजह से पता नहीं कैसे, बट अब गुस्सा काफ़ी कम हो गया है. सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है अब. आई एम काम ईजी. बस कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ क्योंकि वॉमिटिंग ज़्यादा आती है, तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स. हेड एक भी होता है. तो बस उसके अलावा बाकी एवरीथिंग इज सो गुड. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ये था क्विक सा अपडेट. एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो गया है. आई एम वेटिंग फॉर द बम्प. लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ आई एम गोना फील. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. सो अगर आपके कोई सजेशंस हैं रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताओ. कुछ आप कहना चाहते हो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो. एंड या जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड अगर आप लोग पसंद करोगे तो ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगी. टिल देन टेक केयर, बाय.